फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का बज रहा है 5 और मैं आज टिफिन में ले जाने के लिए बना रही हूँ पोहा। तो सबके लिए बना रही हूँ और इसमें से ही आदि टिफिन में भी लेके जाएगा। पोहा की तैयारी मैं रात में ही कर ली थी, सारा कटिंग का काम रात को ही करके रख दी थी क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी नहीं हो पाता। तो यहाँ पे मेरा ब्लैक टी भी बन रहा है और पोहा भी बन चुका, ब्लैक टी भी बन चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ आदित्य को उठाने के लिए क्योंकि 5:30 हो चुका है। तो आदित्य स्कूल जा चुका है और यहाँ आ चुके हैं सुबह सुबह हमारे कबूतर, प्यारे प्यारे कबूतर। तो देखिए कितने प्यार से पानी पी रहा है। तो ये जो हमारे कबूतर है ना, इनको दाल बहुत पसंद है, तो कभी कभी मैं इनको दाल देती हूँ, नहीं तो अधिकतर इनको मैं चावल ही देती हूँ। तो ये लोग ना बहुत फाइट भी करते हैं एक दूसरे से, खाना भी खाते हैं, लड़ते भी हैं, तो यहाँ बहुत झुंड लग जाता है कभी कभी। तो देखिए कैसे फाइट कर रहे हैं। तो खाना मेरा बन चुका है। तो खाने में मैं आज बनाई हूँ बैंगन का भाजा बना रही हूँ और बना रही हूँ मैं आलू का चोखा बनाऊँगी अभी। और इस खाना बनने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने और आस्था स्कूल नहीं गई तो वो पूजा कर दी। तो नहा के मैं मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी बज चुका है दोपहर का, 2:30 बज चुका है और आदित्य स्कूल से आया 2 बजे। तो 2 बजे आया, थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद नहाने गया, तो उसको नहाते नहाते बज चुका 2:30। तो अब मैं निकाल रही हूँ अपने लिए और आदित्य के लिए खाना। तो आज का हमारा लंच का थाली आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरे वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के लंच में है बैंगन का भाजा, आलू का चोखा, आम की खट्टी मीठी चटनी, प्याज और चावल दाल और साथ में घी। हम लोग का निकल चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। तो गर्मी के दिनों में ना ऐसे ही सिंपल खाना खाना अच्छा होता है, ज़्यादा मसाला ऑयली खाने से गर्मी के दिनों में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसे ही सिंपल खाना खाना चाहिए। तो आज रात को ना मैं सब्जी नहीं बनाई, तो आदि नीचे से चॉप लेके आया। तो चॉप ना आप चावल से खाइए या रोटी से खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो हम लोग कभी कभी सब्जी नहीं बनाते हैं रात को, तो नीचे हमारे घर के पास एक चॉप बनाती है, बहुत ही टेस्टी बनाती है। तो यहीं पे मैं अपना व्लॉग्स ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड नाइट।